गाइस इश्क में मैं जो हुआ सीज़न 2 की और एक को स्टार को एक मिला न्यू प्रोजेक्ट। जी हाँ, वो को स्टार कौन है अब? सो गाइस मीनाक्षी शेट्टी जी, उनको न्यू प्रोजेक्ट मिल भी चुका है और उनका शूटिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। अब कब से स्टार्ट हुआ ये तो मुझको नहीं पता। सो उन्होंने इश्क में मैं जो हुआ सीज़न 2 में बहुत ही अच्छा रोल जो है प्ले किया था, वंश की दादी का रोल प्ले किया था। पहले तो जो है पॉजिटिव रोल प्ले की थी, उसके बाद जो है वो नेगेटिव रोल जो है प्ले की थी, उसके बाद उन्होंने फिर से पॉजिटिव रोल भी प्ले किया था। तो बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था वंश की दादी का। वो अनदेखी सीजन 2 में वो जो है नज़र आने वाली है, मम्मी के रोल में, एक मम्मी का कैरेक्टर, एक मम्मी का रोल जो है वो प्ले करने वाली है। तो उनका शो देखना मत भूलिएगा। सो कौन से चैनल पे आएगा, कितने बजे आएगा, कितने मतलब कब से स्टार्ट होगी ये तो मुझको पता नहीं है। सो गाइस जो जो लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहते, ऑनलाइन नहीं रहते हैं, तो उन लोगों के लिए अपडेट बहुत ही मास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस कल मैं रात को लाइव आई थी, 9 बजे 9 PM लाइव आई थी। सो उस लाइव का जो आप लोगों को, उस लाइव में मैं आप लोगों को रियान शाहिल हेली शो मतलब सॉरी राहिल की म्यूज़िक एल्बम और इश्क में मैं जो हूँ सीजन 3 से रिलेटेड, उसके बाद हेली शो से रिलेटेड और राहुल सुधीर के न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हेली शो के न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ममता मैम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों को दी थी उस लाइव में। सो उस लाइव का मतलब उस लाइव का जो लिंक है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सो जाके जो देख लीजिए उस लाइव को, जो जो लोगों ने लाइव पे ज्वाइन नहीं कर पाए। सो गाइस इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।